Subscribe to App Institute and get the international education about computers and technical science. गाइज, अगर आपने मेरे द्वारा दिया गया कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट का ट्रेनिंग कर लिया है और उस 10 वेबसाइट को डेवलप कर लिया है जिसको मैंने आपको प्रोवाइड किया था, तभी आप इस वीडियो को देखें। अगर आपने नहीं किया है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। काइंडली उस ट्रेनिंग को पहले पूरा करें, फिर इस वीडियो सीरीज को शुरू करें। गाइज, इस चैनल्स पे सुबह 10 बजे टेक्निकल वीडियो अपलोड होते हैं और शाम 7 बजे प्रोग्रामिंग वीडियोस अपडेट होते हैं। सो काइंडली इस टाइम पे स्टे करें चैनल्स पे ताकि आप वीडियो का लाभ उठा सके। गाइज, ये CSS का चैप्टर 9 है जिसमें हमें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का उपयोग सीखना है। बेसिकली जो भी एनिमेशंस या लोकल एनिमेशंस हम प्रोवाइड करते हैं उनमें टाइमिंग का ड्यूरेशंस प्रोवाइड करने के लिए ट्रांजिशंस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है। ओके, सिंपली मैं काम करता हूँ, डिव एलिमेंट बना लेता हूँ कुछ इस तरह से, और फिर इस डिव एलिमेंट को CSS की मदद से बॉक्स का रूप दूंगा। ओके, सो मैं काम करता हूँ, डिव एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, विड्थ प्रॉपर्टी पास करूँगा 200 पिक्सल्स, हाइट प्रॉपर्टी पास करूँगा 200 पिक्सल्स, और फिर बैकग्राउंड हाइफन कलर प्रॉपर्टी पास करके वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ रेड। मैंने लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया है, ज़रूरी नहीं कि आप लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी का भी उपयोग करें, आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का भी उपयोग कर सकते हैं। ओके, सिंपली सेव करके रन करता हूँ कि डिव एलिमेंट क्रिएट हुआ या नहीं। क्रिएट हो चुका है। ओके, अब मैं काम करता हूँ, माउस के इवेंट पे इसे कंट्रोल करता हूँ। माउस के इवेंट का मतलब है जब मैं माउस से कर्सर ओवर करूँगा तो क्या होगा, या मैं माउस से क्लिक करूँगा तो क्या होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस डिव पे जब मैं माउस का कर्सर ओवर करूँ तो इसका विड्थ और हाइट बढ़े, तो वो कैसे होगा। सिंपली प्रीवियसली आपने पढ़ा होगा हमें क्या करना है, जिस एलिमेंट पे कर्सर ओवर होने के बाद इस तरह की इफ़ेक्ट जनरेट करनी है उस एलिमेंट को हमें सेलेक्ट कर लेना है और ओवर स्यूडो क्लासेस का उपयोग करना है, फिर मिडिल ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टीज और वैल्यूज़ को पास करना है। इसका क्या मतलब है, जब हम डिव एलिमेंट पे कर्सर रखेंगे तो क्या होगा, जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू आपको यहाँ राइट करनी है। ओके, सिंपली मैं काम करता हूँ, यहाँ राइट कर देता हूँ विड्थ 500 पिक्सल्स। ओके, हाइट राइट कर देता हूँ 500 पिक्सल्स। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ, जब मैं डिव पे कर्सर ओवर करूँगा तो ऑटोमेटिक इस डिव का विड्थ और हाइट 500 पिक्सल्स बढ़ जाएगा। ओके, मैंने सेव करके इसे रिफ्रेश किया, कर्सर ओवर करता हूँ। आप ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने कर्सर ओवर किया ये ऑटोमेटिक अपने साइज़ को 500x500 में कन्वर्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ कि जब मैं कर्सर ओवर करूँ तो ये डायनेमिकली अपने विड्थ और हाइट को स्मूथली बढ़ाए, तो ये कैसे होगा। सिंपली मैं क्या करूँगा, ये जो डिव एलिमेंट है इसमें उपयोग करूँगा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का। अब ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में आप वैल्यू के रूप में टाइमिंग डिफाइन करते हो, जैसे अगर मैं टाइमिंग डिफाइन कर दूँ 2 सेकेंड, तो इसका क्या मतलब है, जब मैं कर्सर ओवर करूँगा डिव पे तो विड्थ और हाइट डिव की 2 सेकेंड्स में बढ़ेगी। ओके, सिंपली मैंने सेव किया, रन करके चेक करता हूँ, रिफ्रेश करके कर्सर ओवर करता हूँ। आप ध्यान से देखो, 2 सेकेंड के अंदर स्मूथली डिव का विड्थ और हाइट बढ़ रहा है, लेकिन डिव का विड्थ हाइट दोनों 2 सेकेंड के अंदर बढ़ रहा है। अगर मैं चाहूँ कि 2 सेकेंड के अंदर सिर्फ विड्थ बढ़े तो वो कैसे होगा। ट्रांजिशंस के बाद जो वैल्यू आप देते हो उस वैल्यू के साथ आप किसी प्रॉपर्टी को भी इंटीग्रेट कर सकते हो। सिंपली आपने जो टाइमिंग का ड्यूरेशन दिया है 2 सेकेंड, उसके पहले अगर आप प्रॉपर्टी यूज कर देते हो विड्थ, तो इसका क्या मतलब है, 2 सेकेंड्स में डिव का विड्थ ही सिर्फ बढ़ेगा। ओके, सिंपली मैं सेव करके रन करता हूँ। आप ध्यान से देखें, मैं फिर से रिफ्रेश करके इस पे कर्सर ओवर करता हूँ। आप ध्यान से देखो, हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, यानी कि हाइट में ट्रांजिशंस
इंटीग्रेट नहीं हुआ, पर विड्थ में ट्रांजिशंस इंटीग्रेट हो रहा है। तो विड्थ में अगर आप सिर्फ टाइमिंग ड्यूरेशन पास करोगे तो क्या होगा, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू 2 सेकेंड्स के अंतराल पे काम करेंगे। लेकिन अगर प्रॉपर्टी के साथ टाइमिंग ड्यूरेशन पास करोगे तो क्या होगा, स्पेशल प्रॉपर्टी में ही ट्रांजिशंस का ड्यूरेशन इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मैंने कौन सा प्रॉपर्टी पास किया है वैल्यू में, विड्थ। तो इसका मतलब है कि इस डिव एलिमेंट पे जब मैं कर्सर ओवर करूँगा तो ये विड्थ प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 सेकेंड्स के अंतराल में चलेगी। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि दोनों ही काम करे ऐसा, तो सिंपली ना मैं विड्थ लिखूँगा और ना ही हाइट, टाइमिंग का ड्यूरेशन सिंपली पास कर दूंगा। तो क्या होगा, विड्थ और हाइट दोनों में ट्रांजिशंस का इफेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आपने क्या अचीव किया, जो भी लोकल एनिमेशन हम जनरेट करते हैं माउस के इवेंट पे, यानी कि माउस के कर्सर ओवर करने पे या माउस से क्लिक करने पे, उन्हें टाइमिंग के अनुसार कंट्रोल करने के लिए ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। और वैल्यू में क्या डिफाइन करते हैं, टाइमिंग डिफाइन करते हैं कि कितना देर में ओवर के अंदर के प्रॉपर्टी वर्क करेंगे। ओके, ट्रांजिशंस के वैल्यू में क्या क्या दिया जा सकता है, किसी स्पेशल प्रॉपर्टी का नाम भी दिया जा सकता है टाइमिंग के साथ। अगर मैं हाइट यहाँ पास करूँ तो क्या होगा, आप ध्यान से देखो, मैंने सिर्फ यहाँ पे हाइट पास किया है 2 सेकेंड्स। तो इसका मतलब है जब मैं डिफ पे कर्सर ओवर करूँगा तो सिर्फ हाइट 2 सेकेंड्स में बढ़ेगी, विड्थ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ओके, क्योंकि मैंने टाइमिंग का ड्यूरेशन सिर्फ हाइट प्रॉपर्टी के लिए पास किया है। ओके, मैंने सेव कर दिया, रन करके चेक करता हूँ, परफेक्ट। आप देखो विड्थ ऑटोमेटिकली बढ़ जा रही है लेकिन हाइट जो है वो 2 सेकेंड्स के अंतराल पर बढ़ रही है। ओके, अब ये जो प्रॉपर्टी है वो स्टैंडर्ड सिंटेक्स का है, इसलिए हमें क्या करना होगा, ब्राउजर के लिए इसे इंटीग्रेट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी के ठीक पहले वेबकिट ब्राउजर इंटीग्रेशन कीवर्ड का यूज करेंगे। ओके, आप ध्यान रखो ये जो प्रॉपर्टी है वो बाय डिफॉल्ट ओपेरा के सारे वर्जन्स में काम करती है, गूगल क्रोम के भी और मोजिला फायरफॉक्स के भी। ओके, लेकिन यहाँ जो हमने वेबकिट डिफाइन किया है वो इस प्रॉपर्टी को सफारी ब्राउजर के सारे वर्जन्स में काम कराएगा। ओके गाइज, जो बच्चे मेरे इंस्टीट्यूशन पे मुझसे पढ़ने के लिए नहीं आ सकते हैं उनके लिए मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स को लॉन्च किया है। उस कोर्स का एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिलेगा, काइंडली आप उस लिंक पे क्लिक करके एक बार उस वीडियो को देखें और डिसाइड करके मुझसे कॉन्टेक्ट करें। ओके गाइज, अगर आप कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट और जॉब की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट को कैसे डेवलप करते हैं और जॉब के रिगार्डिंग इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इन सारे चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। वीडियो में परफेक्शंस लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दे। कोई प्रॉब्लम्स या क्यूरीज है तो काइंडली मुझे व्हाट्सएप पर ज्वाइन करे या कॉमेंट पर राइट करे। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करे, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक करें। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। सब्सक्राइब टू वेब इंस्टीट्यूट एंड गेट द इंटरनेशनल एजुकेशन अबाउट कंप्यूटर्स एंड टेक्निकल साइंस।